क्या कह रहा है? हाँ मैं कह रहा हूँ यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो पता नहीं थोड़ी बोरिंग लगती है। उसमें यार क्या पढ़ाते होंगे? उसमें जनरली होता है इस तरह का, ये नहीं फ्लूइड हो गया, थर्मल हो गई, हीट रिलेटेड ना, और फ्लूइड मैकेनिक्स, हाउ लिक्विड फ्लोज एक्सेट्रा, वेल शेल्स को बोरिंग शोरिंग, इस तरह की चीज़ें ना। अच्छा, तो वो होती हैं। सो द साइंस ऑफ द बिग बेसिकली, तो उसका अपना है। मुझे किसी ने कहा था, जब मैंने फैकल्टी चेंज की थी ना अपनी, मेरे पास ऑप्शन थी ना कि मैकेनिकल हूँ या फिर ये तेरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसने मुझे कहा था अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लें, और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो मैकेनिकल। लेकिन अब तो एहसास हो रहा है कि सब बातें अहम नहीं है। मेरे केस में दोनों ही ठीक थे, तो बट उस वक्त ये था भेड़ चाल है, टेलीकॉम करनी है, तो वो ज़्यादा फिर मैकेनिकल करके नहीं कर सकते थे, तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप चूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज द वे टू द टक शॉप स्लैश ढाबा जैसे कहते हैं, यू नो, मैकेनिकल की साइड से होते हुए बड़ी मेमोरेबल वॉक्स हैं ये वाली जो है ना सारी। अभी काफ़ी और ज़्यादा ग्रीन हो गया एक्चुअली, पहले भी काफ़ी अच्छा था लेकिन अच्छे प्लांट्स वगैरह लगा दिए उन्होंने। ये सामने बैंक था, यहाँ पे फीस वगैरह जमा करानी हो इधर आते थे, सामने जो HBL वो ATM भी है और राइट साइड पे बैंक है, और वो सामने टक शॉप है, वहाँ जाते हैं अभी। वो सामने हॉस्टल 7 होता था, वहाँ पे ना यहाँ से रास्ता जा रहा है, और उधर राइट साइड पे पहले वो बॉयज़ हॉस्टल था, वो आई थिंक चेंज कर दी थी लेडीज़, और साथ होती थी टक शॉप। लेट्स गो। जी गैस, तो यहाँ पे अभी पता किया है खाना बनाने का टाइम जो है ना वो भी ख़त्म हुआ है, और एक्चुअली वो जो डिशेस थी वो ऐसे अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पे जो है ना, स्नैक्स वगैरह खाली हैं, और वो भी मतलब अभी रेडी नहीं थे, तो अभी वापस जाते हैं कैफेटेरिया में देखते हैं, वहाँ पे 3:30 भी आ जाना था, तो सैंडविच वगैरह वहीं से खा लेंगे। उस वक्त भी हम गए थे कैफे, तो उधर भी खाने का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो इट वॉज इन बिटवीन यू नो फूड टाइम एंड रिफ्रेशमेंट टाइम, तो लेट्स किल सम टाइम एंड देन गो टू द कैफे। तो दिस इज़ द रूट टू द मेडिकल सेंटर, और जो पहले हॉस्टल 7 होता था और फीमेल हॉस्टल। तो ये मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि अभी पीछे जू था थोड़ा सा ना, छोटा सा कंपाउंड था, फिर डक्स वगैरह थी, तो और ये थोड़ा सा प्ले एरिया देखें बच्चों का। तो मुझे हमेशा से ना शुरू से यहाँ पे बात रही है कि GIKI बिकॉज इट्स आइसोलेटेड यू नो, इस तरह गाँव में यहाँ पर ना सोशल लाइफ हमेशा थोड़ी सी रहती थी कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ पर आगे टीचर्स के रेजिडेंस है और उनके बच्चे वगैरह स्कूल भी है, तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि यार आर दे मिसिंग आउट ऑन द मेन थिंग, या आर दे हैप्पी हेयर। टू डेट आई डोंट नो द आंसर, बट अभी भी मैंने यहाँ देखा ना ये इस तरह की आइसोलेशन में, ये पार्क हो गया पीछे, दो झूले लगे हुए हैं, और वो थोड़े से जूज़ वगैरह, तो ऑब्वियसली अब हमारे भी बच्चे हैं, अब और ज़्यादा ख्याल हो रहा है कि यार आई होप दे आर हैप्पी लिविंग हेयर। स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर है दे आर ऑन अ मिशन, वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो दैट्स फाइन, बट जो टीचर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं, आई थिंक इसकी वजह से ये भी साइड इफेक्ट है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा फैकल्टी चेंज होती रहती है, बहुत ज़्यादा अरसा यहाँ पे नहीं रह सकते ना टीचर्स अपनी फैमिलीज के साथ, आई थिंक 3-4 ईयर्स का स्टेंट लगाते हैं, देन दे मूव ऑन एंड सम फ्रेश बैच कम्स इन, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। और हॉस्टल 7 ये इन्होंने लेटली शुरू किया है इनोवेशन सेंटर, विच इज़ अ गुड इंसेंटिव, आई थिंक ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है ना, तो उसको यू नो मटेरियलाइज करने के लिए, दैट्स गुड। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि ये हॉस्टल 7 की बैक साइड है, पहले 2 साल हम लोग यहाँ पे थे हॉस्टल 7 में ना, तो यहाँ से हम जाते होते थे, ठीक है, और वो सामने देख रहे हैं ये ब्लू वाली जो है ना ये वर्कशॉप होती थी, यहाँ एग्ज़ाम होते थे, और साथ वो रेड वाली जगह देख रहे हैं वो हमारा मैस होता था, तो ग्रेट मेमोरीज़ यहाँ से ना इस जगह से। जी गैस, मैं अभी हमजा को ये बता रहा था कि अभी और भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुदाई हो रही है, तो अपेरेंटली और जगह बन रही है हॉस्टल्स वगैरह की, लेकिन आई थिंक पैगाम वही है ना सबको कि पढ़ो और यहाँ से निकलो पाकिस्तान से,
which again brings me back to my earlier point, जो थोड़ी सी irony थी, हालांकि मैं खुद उसी route से आया हूँ, लेकिन you know मैंने एक video बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि kind of conveyor belt system बन चुका है ना ये, यहाँ पे पैसे लगाते हैं, यहाँ के पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आने का मौका सबको मिलता नहीं है, तो वो भी बड़ी साइंस है कि वो लोग क्यों नहीं, यू नो वन डे आपका हो जाए सिटीजनशिप वगैरह, पैक योर बैग्स एंड कम बैक एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग द वे यू आर डूइंग अब्रॉड, बट वेन्यूज़ ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना सारा, और उस पर एक दिन और बात करेंगे, वो क्यों नहीं है, क्या सीन है, यू नो व्हाट्स द डोमिनेंट सो कॉल्ड प्रोफेशनल क्रीड हेयर, तो उस पर बाद में बात करेंगे क्या सीन है जी गैस। तो ये मैच था हम लोगों का और यहाँ पे बड़ी क्रिकेट हुई, टेप बॉल, यहाँ से बैटिंग होती थी, इधर से बॉलिंग और सामने बाउंड्री होती थी, यहाँ एक जहाज भी था जो उठा दिया गया, वेल एटलीस्ट द सोलर पैनल्स आर स्टिल देयर, सो जो मेरे हमारे जीकेएन या बैचमेट्स देख रहे होंगे दे कुड 100% रिलेट विद मी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सामने वो है लाइब्रेरी, उसका फ्रंट दिखाते हैं आपको, वो बड़ी लाइब्रेरी है, हाँ हाँ वहीं से अभी जाके दिखाता हूँ। और ये भी जो आप देख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये बड़ी बड़ी ही पीसफुल और अच्छी है लाइब्रेरी, लेकिन ये था कि मेरे यहाँ पे इस तरह बैठ के कोई इतना स्टडीज़ का वो नहीं लगा, क्योंकि आई वाज मोस्टली कंफर्टेबल इन माय रूम व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड आई थिंक मोस्टली इट वाज द केस। कुछ स्टूडेंट्स जो वीकेंड वगैरह पर रुक जाते थे, मे बी उनके लिए यू नो यहाँ पे एसी वगैरह भी था, वो भी बात है कि अगर आप समर सेमेस्टर लगा रहे हो तो आपने ज़रा पीसफुल अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ना है, तो मे बी यस दे वुड हैव यूज्ड इट मच मोर देन I did, but certainly a very nice place. हमजा ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे जैसे मैं अभी अंदर बैठा था, मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी को इतना मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जैसे मैं अंदर देख रहा था कि फैसिलिटीज़ हैं ना, अब आप कहते हो यार इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे इस तरह भी आते थे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने ज़िंदगी में कंप्यूटर यूज़ नहीं किया हुआ था पहले, तो यू नो फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यहाँ पे आके एक रूम होना उसके लिए बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है, यू नो वो फ्रेश यूज़ किया हो क्या करे, नहीं वो और बात है ना, लेकिन द पॉइंट इज़ कि लाइब्रेरी में मतलब देख जो आजकल ये है ना कि हम आप कहते हो हर चीज़ इंटरनेट में मौजूद है ठीक है, ये बुक्स कौन पढ़ेगा, लेकिन अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यू माइट सुपरसीड समवन हु इज़ यू नो वेरी मच टेक्स हैवी जस्ट बिकॉज यू नो उनको इनिशियल पर्सपेक्टिव ऐसा मिलेगा, एनवायरमेंट ऐसी मिलेगी जो कंडूसिव होगी एंड दे कैन रियली रीच पोटेंशियल, वो उन बातों में सोच सकते हैं जो आम बंदा मतलब नहीं सोचेगा, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एनवायरमेंट इस वजह से काफ़ी अच्छी है। तो भूख में मैं हमजा को बता रहा था भूख में कुछ भी अच्छा लगता है, हमें दो बार हैंड हुए हमारे साथ खाना नहीं मिला तो स्नैक्स ले रहे, तो हमने फिर तीन बर्गर ले लिए, एक बांट लेंगे, इट्स वेरी नाइस। कैसा हमजा मुझे लगा था कि शायद ना इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन भूख भी लगी थी ज़्यादा अच्छे, अंदर चप्पल कबाब है राइट और माया हुए साथ थोड़ा प्याज वगैरह भी चाय भी गुड जी गैस। तो बड़ा मज़ा आया बहुत अर से बाद आए यहाँ पे, होपफुली आपको ये वीडियो जो है ये इंटरेस्टिंग लगी होगी, यू नो मैं खुद यहाँ पे 16 साल बाद आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ें वैसी बिल्कुल वैसी भी हैं, तो यू नो इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ यू नो रीलिविंग सम मेमोरीज, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।